दरमियान सी पैक अथॉरिटी यासिम सलीम बाजवा की मीडिया से गुफ्तगू। सी पैक मनसूबों में 13 अरब डॉलर के करीब सरमायाकारी हो चुकी। चीनी सरमायाकार मकामी सरमायाकारों से मिलकर सनअतों को फरोग दे रहे हैं। शोबे तवानाई में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को फरोग दिया जा रहा है। ज़रात की तरक्की भी सी पैक मनसूबों का अहम हिस्सा है। वज़ीर मुमलिकत इत्तला'आत नशरियात फारूक हबीब का ट्वीट। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। पाकिस्तान ने आलमी मुकदमाबाजी में बड़ी कामयाबी हासिल कर दी। रेकोडिक केस में PIA के खिलाफ तमाम फैसले वापस हो गए। अमरीका ने सदर जो बाइडन और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात की तारीख का ऐलान कर दिया। दोनों मुल्कों के सदूर के दरमियान जनेवा में 16 जून को मुलाकात होगी, व्हाइट हाउस का ऐलान। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत मिवाकी फास्ट के मुतालिक इजलास। इजलास में ईवान सदर में मिवाकी फास्ट उगाने के मुतालिक ब्रीफिंग। सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी ईवान सदर में 4000 दरख्त लगाएगी। वज़ीर आज़म से नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए मज़हबी हमांगी मौलाना ताहिर अशरफ़ी की मुलाकात। मुलाकात में वक्फ़ इमलाक एक्ट पर वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर की सरबराही में कायम होने वाली कमेटी और इसके उलमा और मशाइख के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में मुस्बत करदार पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर प्लानिंग असद उमर से सिंध की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। दोनों अकाबरीन ने वज़ीर आज़म को सिंध की इंतज़ामी और बद इंतज़ामी और ख़ुसूसन अमनो अमान बढ़ते हुए जराइम पर तशवीश से आगाह किया। सिंध में डाकू का राज ख़त्म करने का मिशन। लाड़काना में डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। जवाबी फायरिंग में 3 डाकू भी हलाक। मसला किसी के बैरून मुल्क जाने का नहीं, अदालती तरीक़े कार का है। जिस रफ्तार से अदालत लगी और हुक्म पर अमल दरामद किया गया वो काबिले तश्वीश है। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के फैसले के खिलाफ अटॉर्नी जनरल के दलाइल। चीनी कंपनी चैलेंज टेक्सटाइल का लाहौर में 150 मिलियन डॉलर का इकोनॉमिक जोन कायम करने का फैसला। वज़ीर आला KP का खुफिया एक्शन, देश बदल कर रिश्वतखोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अफसोस है कि जिंदगी के बारे में हमारे ख्यालात मुख्तलिफ हैं और हमारा मुस्तकबिल अलग अलग है। क्रिश्चियन बैट्समैन को अदाकार ज़ोया नासिर के साथ गुजारे हुए वक्त की याद सताने लगी। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, PTA ने मकामी और बैनुल अक्वामी 19 कंपनियों को मकामी सतह पर मोबाइल फ़ोन तैयार करने की इजाज़त दे दी। बरतानिया ने हमें नवाज शरीफ की हवालगी की दरख्वास्त देने का कहा। बरतानिया का कानून है कि सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीज़ा नहीं दिया जा सकता। नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए लेकिन वहाँ एक टीका भी नहीं लगवाया। शहजाद अकबर। आलमी इदारा सेहत की जानिब से पाकिस्तान को तम्बाकू नोशी के खिलाफ कंपेन पर खसूसी अवार्ड। बेल्जियम हुकाम ने कराची में दहशतगर्दी में मुलविस मुलजिमान की तफसीलात मांग ली। MQM लंदन से मुंसलिक कौन से दहशतगर्द बेल्जियम में बैठकर कराची में दहशतगर्दी करा रहे हैं, तफसीलात। इमिग्रेशन हुकाम की गफलत की वजह से भारतीय कोरोना वायरस की खतरनाक किस्म पाकिस्तान आ गई। बात आपको भी चुभेगी, मुझे भी चुभेगी। मैंने किसी मुसलमान मुल्क में इतना बड़ा मजमा फलस्तीनियों के हक में नहीं देखा जितना बड़ा मजमा मैंने अमेरिका में देखा। शाह महमूद कुरैशी। भारत में कोरोना का बदतरीन तजर्बा। IPL खेलने वाले KV विकेट कीपर टीम सिफर्ड साफियों से गुफ्तगू में आप दीदा हो गए।
बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान ने भी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। पुलिस एहलकारों को शहीद करने के बाद डाकुओं का पुलिस की बख्तर बंद के सामने रक्स वीडियो वायरल। मेकअप आर्टिस्ट नबीला और मॉडल अदाकारा नादिया हुसैन आमने सामने, एक दूसरे पर चोरी और इनसिक्योरिटी के इल्जामात का तबादला। नादिया ने स्क्रीन शॉट्स शेयर कर दिए। नैब रेफरेंसेस, मरियम नवाज के वकील की समात मुलतवी करने की इस्तदा की। हैट्रिक, जानिए किस रेफरेंस समात मुलतवी करने की इस्तदा की। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज को और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं और जुर्माने हुए थे। FBR का एक्शन, बिस्किट बनाने वाली मशहूर कंपनी के 4.27 अरब रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। मेगा करप्शन केस का फैसला आ गया। साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रेसानी को 10 साल कैद की सजा। साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू को भी सजा सुना दी गई। मुश्ताक रेसानी के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। चौधरी निसार का नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं। शायद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून का मौकिफ बयान किया। हमें पंजाब में कोई नंबर्स नहीं चाहिए, हमारे पास नंबर्स से ज्यादा तादाद है। मरियम नवाज। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 5% से भी नीचे आ गई। इस्लामाबाद में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.7% पर आ गई। जानिए गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना की सूरत हाल पर रिपोर्ट। जुमे के खुतबात हुकूमती हदायत पर होंगे। सदर मुमलिकत की हदायत पर 100 मौजूदात का इंतखाब किया गया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का फैसला।